हेलो फ्रेंड्स, आज हम चिकन टिक्का बनाएंगे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास हाफ के जी चिकन था जिसमें मैंने 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। ये देखिए, आप कोई से भी कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हो। और मैंने इसमें थोड़ा सा हाफ टी स्पून नमक डाला है और हाफ लेमन को मैंने स्क्वीज कर लिया है। अब मेरे पास टाइम था और चिकन भी अवेलेबल था, इसलिए मैंने ओवरनाइट रख दिया था मैरिनेशन के लिए। आप 2 से 3 घंटे भी मैरिनेट कर सकते हो, और आपके पास नहीं टाइम है तो आप 10 मिनट में ही मैरिनेट करके बना सकते हो इसे। चलिए अब हम चलते हैं कुछ स्पाइसेस की तरफ। ये फ्रेंड बहुत ही आसानी से बन सकता है, इसे कोई भी बंदा बना सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत जल्दी बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। स्पाइसेस देखिए, ये जो चिकन था मैरिनेशन के लिए जो मैंने रखा था, ये मैरिनेट हो गया है। अब मैं स्पाइसेस की तरफ आती हूँ। ये मैंने 4 हरी मिर्च लिया है। मैंने जितना रेशियो आपको बताया है आप सेम उतनी ही क्वांटिटी रखिएगा। हाफ चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्चा पाउडर, और हाफ चम्मच मैंने काला नमक लिया है, और ये टिक्का मसाला मैंने हाफ चम्मच लिया है, और पेपर पाउडर काली मिर्च पाउडर भी मैंने हाफ चम्मच लिया है, और हाफ लेमन मैंने लिया है। ये चिकन टिक्का मसाला मैंने खुद बनाया है। अगर आपको रेसिपी ये मसाला पसंद आता है, एक बार चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ये मसाले की रेसिपी बताऊंगी। अगर आपके पास चिकन टिक्का मसाला नहीं है तो आप कोई सा भी मसाला ले सकते हो, और आप गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच लिया था, और ये देखिए, ये जो मिर्चों को मैं इसमें डाल दूँगी, ऐसे थोड़ा थोड़ा क्रश कर लूँगी। हरी मिर्ची मैंने 4 लिया था, अब मैं इसे जल्दी जल्दी क्रश कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसे महीन नहीं करना है, ये दरदरा होगा, थोड़ा स्क्रब आए इसका। ये देखिए डन हो चुका है, हरी मिर्च को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। अब मैं इसे निकाल दूंगी, मैं इसे चिकन में डाल के अच्छे से मिक्स करूंगी। फ्रेंड्स, आपके पास कुछ भी कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तब भी आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैंने हरी मिर्ची डाल दिया, अब मैं पेपर पाउडर डाल रही हूँ, और मैं टिक्का मसाला डाल रही हूँ, और ये है काला नमक ब्लैक सॉल्ट, और नॉर्मल मिर्चा पाउडर हाफ चम्मच है ये। इन सबों को मैं अच्छे से मिला दूँगी, और हाफ लेमन को मैं अच्छे से स्क्वीज़ कर लूँगी। इसमें हाफ के जी में 1 लेमन की ज़रूरत पड़ती है हमें। बीज जो है वो मैंने निकाल दिए, इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था। 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालकर इसे मिक्स करके बहुत अच्छे से मिक्स किया मैंने। फिर मैंने एक कढ़ाई चढ़ाया, फिर उस कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल मैंने लगाया, वो मैं दिखा नहीं पाई। फिर मैंने उसमें ये सारी चीज़ें डाल दी चिकन का। अब मैंने देख लीजिए, मैंने बहुत कम ऑयल डाला है इसमें, सिर्फ मैंने ग्रीस किया था। अब मैं इसे ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए। ये देखिए, मैं 7 से 8 मिनट तक इसे ढका था मैंने। अब देखिए, मैं 8 मिनट बाद इसे खोल रही हूँ, बहुत ही आराम से खोलिए। ये देखिए, अभी इसमें पानी जो है इसमें बचा हुआ, अभी ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुआ है। जब चिकन लगे आपको सॉफ्ट हो गया है, तब आप ढक्कन खोल के इसे अच्छे से भून लीजिए, रोस्ट कर लीजिए। ये देखिए, इसे अभी रोस्ट करना है, कुछ देर तक खोल कर ही रोस्ट कीजिए इसे। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, और ये देखिए डन हो चुका है, चिकन टिक्का रेडी हो चुका है। ये देखिए, मैंने प्लेटिंग कर ली है। अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अब और भी चिकन टिक्का की बहुत सी रेसिपी है, और भी आप रेसिपी बोलोगे कमेंट में करके बोलोगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये देखिए, मैंने प्लेटिंग कर ली है, बहुत ही टेस्टी ये चिकन टिक्का है। एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे आप। देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।